हैं और साथ साथ इनके चेहरों पर और इनकी पीठों पर थप्पड़ बरसाते हैं, जरबे लगाते हैं और कहते हैं अब जलने के आवाब का मजा चखो। इनके चेहरे पीटे जाते हैं, पुश्तों पे जरबे मारी जाती हैं और कहा जाता है ذوقوا عذاب الحريق, ये जहन्नम का अजाब अहले शिर्क के लिए है। فكيف اذا توفتهم الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم, उस वक्त क्या हाल होगा अहले शिर्क और कुफर का जब फरिश्ते उनकी रूह कब्ज करेंगे और साथ साथ उनके चेहरों और पीठों पर मारेंगे। ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون। इस घड़ी को अपने सामने रखिए, काश तुम कुफार को मौत की कैफियत में देख सको, मौत की सख्तियों में फंसे हुए देख सको। वल मलाइकातु बासितु अयदीहिम, जब फरिश्ते उनकी तरफ हाथ बढ़ाएंगे और कहेंगे अखरिजू अनफुसकुम, अपने नफ्सों को बाहर निकालो, अपनी खबीस रूहों को बाहर निकालो, अलयौम तुजज़ौना अज़ाब अलहून, आज तुम्हें शदीद अज़ाब, जलील कर देने वाला अज़ाब, रुस्वा कर देने वाला अज़ाब दिया जाएगा। क्यों? बिमा कुंतुम तक़ूलूना अलल्लाहि गैरल हक़, उस जुर्म की वजह से जो तुम दुनिया के अंदर अल्लाह पर झूठ बांधा करते थे। कितने ही वो मौलवी आपको मिलेंगे, उनकी तकरीरें सुन लीजिए, उनकी सीढ़ियां देख लीजिए, उनके चैनल अटेंड कर लीजिए, उनके प्रोग्रामों को, वो अल्लाह पर झूठ बांधते हुए अपने सारे शिर्क के बारे में दलील देते हैं कि ये जो कुछ हम कर रहे हैं यही शरीयत है, यही इस्लाम है, यही दीन है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरु मिन नूरिल्लाह की सदाएं भी लगाते हैं, अल्लाह के नबी को अल्लाह की जात का शरीक भी बनाते हैं और फिर दलील भी देते हैं कि ये जो कुछ हम कह रहे हैं ये अल्लाह की तरफ से कह रहे हैं, ये शरीयत के फैसले सुना रहे हैं। वो अल्लाह पर भी झूठ बोलते, अल्लाह के कलाम पर भी झूठ बोलते, इमामुल अंबिया पर भी झूठ बोलते, तो आज तुम्हें अजाब दिया जाएगा। बिमा कुंतुम तकूलूना अलल्लाहि गैरल हक, तुम अल्लाह की तरफ झूठ की निस्बत करते थे। वकुंतुम अन आयातिही तस्तकबिरून, जब तुम्हें तौहीद की खालिस आयात सुनाई जाती, कुरान हकीम के दो टोक फैसले सुनाए जाते, तो फिर मुंह मोड़ लेते, तकबुर करते हुए निकल जाते और कई तो कह भी देते हैं जी बात तो ठीक है लेकिन हमारे मजहब के खिलाफ है, आयत तो ठीक है, हदीस तो ठीक है लेकिन जो कुछ आप कह रहे हो ये हमारे मजहब में नहीं है। अरे मजहब उतारने वाला अल्लाह है, हम तो उस मजहब के ऊपर चलने वाले हैं जिसका मजहब अल्लाह के दिए हुए कुरान और हदीस से टकरा जाए। खुद बदलते नहीं, कुरान को बदल देते हैं कि गुलामी में बदल जाता है कौमों का जमीर। अपनी सोच को छोड़ा जाएगा या रब की शरीयत को छोड़ा जाएगा? नुसरत अहमद में है, बरा बिन आज़ा फरमाते हैं हम एक अंसारी के जनाजे की तदफीन के लिए अल्लाह के नबी सल्लम के पास के साथ निकले, कब्रिस्तान में पहुंचे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अज़ाब कब्र से अल्लाह की पनाह मांगा कर, यह अज़ाब कब्र बड़ा शदीद है, अल्लाह से सवाल किया करो कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल इस अज़ाब से महफूज रखे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान हकीम की आयत तलावत फरमाई इन्नल्लज़ीन कज़्ज़बू बिआयातिना वस्तकबरू अन्हा, जो लोग इन्नल्लज़ीन कज़्ज़बू बिआयातिना, जो हमारी आयात को झुटलाते हैं, तकब्बुर करते हैं, अल्लाह के कुरान को सुनकर फिर मुंह मोड़ लेते हैं, हदीस रसूल को सुनकर फिर गर्दन मोड़ लेते हैं, इनकी कैफियत क्या होगी, इनके साथ सलूक क्या होगा? ला तुफत्तहु लहुम अबवाबुस समा, इनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे। वला यदखुलूनल जन्ना, अहले शिर्क याद कर लीजिए, ये कुरान की आयात सुना रहा हूं, अहले कुफर अहले शिर्क अल्लाह की आयात का इनकार करने वाले, तौहीद के मजमून को सुनकर
ठोकर मार देने वाले, इनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खुलेंगे। वला यदखुलून अलजन्ना, ना ये अल्लाह की जन्नत में दाखिल होंगे। हत्ता यलिजल जमलु फी सम्मिल खियात, इनका जन्नत में जाना इतना इम्पॉसिबल है जिस तरह सुई के नाके में से ऊंट का गुजर जाना मुश्किल है। जिस तरह ऊंट सुई के सुराख में से नहीं गुजर सकता, मुशरिक इसी तरह कभी अल्लाह की जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। वकज़ालिक नज़्ज़िल मुजरिमीन, जिसने अल्लाह की तौहीद को छोड़ा, ये पेशानी जो खालिस अल्लाह के लिए झुकने के लिए बनी, उसने इसको दरगाहों पर झुकाया, दरबारों पे झुकाया, ठेकरियों पे झुकाया, कब्रों पे झुकाया, कुब्बों और जुब्बों के सामने झुकाया, जानवरों के सामने झुकाया। अल्लाह की कसम ये जुर्म है, और मुजरिम के साथ मालिक यही सलूक करता। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान हकीम की ये आयत तलावत फरमाई, वमन युशरिक बिल्लाह फकअन्नमा खर्र मिनस समा। वमन युशरिक बिल्लाह, जो अल्लाह के साथ शरीक बनाए उसकी जात में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर मिन नूरिल्लाह कहकर, हजरत अली को अल्लाह के नूर का टुकड़ा कहकर, कि अल्लाह ने सबसे पहले अपने नूर में से पंजतन पाक के नूर को पैदा किया, जो अल्लाह का शरीक बनाए उसकी जात में, उसकी सिफात में, उसकी इबादत में, कि सजदा अल्लाह के लिए भी है कब्रों पर भी है, रुकू अल्लाह के लिए भी है दरगाहों पर भी है, ज़िबह अल्लाह के लिए भी है दरगाहों पर भी है। मन युशरिक बिल्लाह फकअन्नमा खर्र मिनस समा, जिसने अल्लाह के साथ किसी और को शरीक बनाया, वो ऐसे है जैसे आसमान से गिरा। फतख्तफुहु अत्तैरु औ तहवी बिहि अर्रीहु फी मकानिन सहीक, ये ऐसे है आसमान से गिरा, इसको परिंदों ने नोच लिया, या इसको हवा ने किसी दूर दराज मकाम पे फेंक दिया, यानी बर्बाद हो गया। जिसने अल्लाह के साथ शिर्क किया, ये जुर्म शिर्क अकबर का जुर्म, इतना बड़ा जुर्म है, वो इंसान दुनिया के अंदर भी बर्बाद और आखरत के अंदर भी बर्बाद। सही बुखारी में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जनाजा तैयार होता है, लोग इसे अपने कंधों पर उठा लेते हैं, नेक आदमी कहता है मुझे जल्दी लेकर चलो, जहां तुम मुझे लेकर जा रहे हो वो मेरी जन्नत का बाग बन चुका है, मुझे जल्दी लेकर चलो। और बुरा आदमी वो कहता है, अफसोस मुझे कहां लेकर जा रहे हो, जहां तुम मुझे लेकर जा रहे हो वो जहन्नम का गढ़ा बन चुका है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया, जनाजे को जल्दी दफन करो, जनाजे को 10-10 दिन बाहर रखना, 15-15 दिन बाहर रखना, 3-3 दिन बाहर रखना। अभी इसका बेटा नॉर्वे से आएगा, अभी इसका बेटा कनाडा से आएगा, अभी इसका बेटा अमेरिका से आएगा, अभी हमारे फला रिश्तेदार आने हैं, ये जायज नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जनाजे को जल्दी दफन करो, अगर नेक है तो इसका ठिकाना नेक है, इसको वहां पर पहुंचा दो, अगर बुरा है तो इस गंध को अपने कंधों से उतार फेंको। लोगों, जब ये मौत बरहक है, जब इस मौत से फरार मुमकिन नहीं है, तो सोचिए, अल्लाह के लिए सोचिए, मैं और आप किस तरह की मौत को गले लगाने की तैयारी कर रहे हैं। आइए मैं आपके सामने चंद मौतें पेश करता हूं।